हर हर शंकर जय जय शंकर। फरवरी 2021 में उत्खनन के दौरान पुरातत्व विभाग को बाजना तहसील में 12वीं शताब्दी का शिव मंदिर मिला। 250 से अधिक कलाकृतियां भी मिली हैं, जिनकी नकाशी खजुराहो में मौजूद कलाकृतियों से मिलती है। इनमें 100 से अधिक अनूठी मूर्तियां शामिल हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार 51 स्तंभों वाले इस मंदिर को अब माना जाएगा मालवा क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर। यह लगभग 60x40 वर्ग फुट के क्षेत्र में बना है। इस उत्खनन का नेतृत्व कर रहे राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर डीपी पांडे के अनुसार बाजना तहसील के राजपुर गांव में स्थित मंदिर रतलाम से 40 किलोमीटर दूर है। ये एक सदी के लिए मलबे के नीचे छिपा हुआ था। साल 2019 में एक सर्वे के दौरान पांडे जी ने पत्थर और कीचड़ के कटाव में खंबे का एक छोटा सा हिस्सा देखा था। उन्होंने खुदाई के लिए एक अनुरोध भेजा था, जिसे अक्टूबर 2020 के महीने में मंजूरी दे दी गई। हालांकि महामारी के कारण प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई और दिसंबर में इसकी खुदाई शुरू हो गई, जिससे ये खोज मुमकिन हो पाई। 50 ट्रक मिट्टी और पत्थरों को हटाने के बाद मंदिर और कलाकृतियों को देखा गया। इसके अलावा 20 से अधिक ट्रकों को भरने वाला मलबा शेष है। पुरातत्व विभाग के अनुसार परमार शेफ थे और पश्चिमी मालवा में जटिल नक्काशीदार पत्थरों के मंदिर का निर्माण करना पसंद करते थे। परमार शासकों ने 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मालवा पर शासन किया था। शिव मंदिर में मिली सबसे बड़ी मूर्ति 1 मीटर 10 सेंटीमीटर की है, जबकि सबसे छोटी प्रतिमा 30 सेंटीमीटर की। भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, वैष्णवी, विष्णु, महेश्वरी, भैरव और अधिकांश मूर्तियां अलग अलग मुद्रा में महिला कलाकारों की थी। यह मालवाई मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है। मालवा क्षेत्र में गौरी सोमनाथ मंदिर ओमकारेश्वर को सबसे बड़ा मंदिर माना जाता था। अब से यह मंदिर क्षेत्र के सबसे बड़े मंदिर के रूप में जाना जाएगा। पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। पुरातत्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार मंदिर में करीब 150 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और शेष प्रतिमाओं और कलाकृतियों को रतलाम के संग्रहालय में रखा जाएगा। हर हर महादेव।